इंद्री की अनाज मंडी में 3 दिनों से धान की खरीद न होने से नाराज किसान और आढ़तियों ने मंडी गेट के बाहर करनाल यमुनानगर रोड पर धरना देते हुए जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने मंडी सचिव के तबादले की मांग की। किसानों ने कहा कि मंडी सचिव उनके और आढ़तियों के साथ अभद्रता करता है। इस पर मंडी सचिव ने मौके पर आकर किसानों से अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि सरकार उनकी मांग को अनसुना कर रही है, जिससे वे बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। उन्होंने सरकार से जल्द धान की खरीद शुरू न होने पर सरकार को इसका खामियाजा भुगतने की भी चेतावनी दी। जीरी बेचना है था यहाँ से 3-4 बार तो न्यू अतिंग गेड़े दिए, कद न्यू जीरी जमी कितई उसमें नहीं चोल का दाना रहा न्यू कहाँ इसमें बाल भी कस नहीं आका तू मस्कास का तो सीध हो रही ना क्या। अरे मंडी में नहीं बंदे रहे तो कोई ये कड़ी लाइन लगी 3 किलो की, ये कोई सरकार है यार मांग के कर रहे बारी मारी। हम खेत में ले हमारी जीरी बिक जो ले मांग यही हमारी तो है गवर्नमेंट की रेट बिक जो हमारी अंदर सारी बिक जो। आज जब से जीरी स्टार्ट हुई है इस मंडी में, अब की बात गेहूं में भी ऐसा हुआ था, पर अब जीरी में तो ये हो गया पोर्टल पे। कब तक पोर्टल के भरोसे किसान बैठा रहेगा, उसकी खेत में ही सारी जीरी सड़ जाएगी, धान जो है सब खत्म हो जाएगी। वो पोर्टल के भरोसे गेहूं का अलग सिस्टम था, गेहूं सूखी आती थी या 10-15-20 रह जाती थी, जीरी तो एक हफ्ता भी नहीं जाती खेत में ही, अब खेत में ही खत्म हो जाएगी। किसान तो पहले ही मरा पड़ा है और उल्टा किसान के पल्ला क्या जा जाएगा जब उसकी खेत में ही खत्म हो जाएगी जीरी। ये पोर्टल 50 जिमीदार बुला लिए, अच्छा उनकी भी चलो 50-100 जिमीदार बुलाए, मान ले किसी की 10 एकड़ है, 10 एकड़ का 25, 1 एकड़ का 25 क्विंटल किया हुआ है तो उसके तो 10 की तो 250 क्विंटल होगी, अगले पे 1-1 क्विंटल के 10 क्विंटल के मैसेज आ रहे हैं, कितना गलत है, कैसे हो जाएगा पोर्टल पे ऐसे काम। तो फिर उसके बावजूद भी उस वो जीरी भी खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, किसी पे बारदाना नहीं है, क्या तैयार थी बारदाना देगा और वही जिम्मेवार होगा उसका। जब तक हमारे मतलब हमारे पास कोई आश्वासन नहीं होगा भाई कौन इसको उठाएगा, कौन लिफ्टिंग करेगा, कौन इसको वहाँ पे रखेगा, या हमारा ये कह दे हम 12 घंटे में उठाएंगे, आड़ती कोई जिम्मेवार नहीं होगा उसके बाद, क्योंकि जीरी कच्ची फसल है। अपने सरकार अपने नोट्स में ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 17 मोर्चर की जीरी ले किसानों से कोई। खरीद आज से पोर्टल चालू हो गया है, सुबह 8 बजे से गेट पास हमने कटवाने शुरू कर दिए हैं। जो जीरी मंडी में ऑलरेडी पड़ी हुई है, एक सवाल ये था कि भाई ऑलरेडी पड़ी हुई जीरी है तो उसका पोर्टल के अनुसार जब वो मैसेज आएगा जमींदार का उसका गेट पास कटवा दिया जाएगा। दूसरा सवाल इनका ये था अब भाई मंडी में 4 गेट है तो 4 पीछे साइड वाला बैक साइड वाला गेट अभी तक क्यों नहीं खुल रहा, तो प्रशासन को अरेंजमेंट बनाने के लिए 2 गेट चालू किए गए हैं ताकि 2 गेटों पे हमारे कंप्यूटर लगे हुए हैं उससे आप गेट पास कटवा के अंदर जा सके। अगर इस बारे में अगर तीसरा गेट खुलवाने की बात होगी तो डीसी साहब की मीटिंग में आदेश हुए थे, उस डीसी साहब के संज्ञान में ये बात लिया के अगर तीसरा गेट खुलवाना चाहेंगे तीसरा गेट भी हम खुलवाने के लिए तैयार में। तीसरी बात इनकी खरीद की थी, खरीद के लिए संबंधित फूड सप्लाई के इंस्पेक्टर श्री अमन नरवाल जी आए हुए हैं, वो आज खरीद करने के लिए तैयार हैं। और उसके अलावा बारदाने का इशू था इनका, भाई बारदाना कौन देगा, बारदाना अभी फूड सप्लाई खुद दे। शुरुआत हुई है, शुरुआत में अरेंजमेंट्स में दिक्कतें आती हैं शुरू में, कल से बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। हैरानी की बात है कि धान की कटाई शुरू होने के बाद सरकार पहले 25 सितंबर फिर 1 अक्टूबर और बाद में आनन फानन में 27 सितंबर से धान की खरीद शुरू करने की घोषणा करती है, लेकिन सूबे की कई मंडियों में सरकार की घोषणा के बाद भी कई दिन तक धान की खरीद शुरू नहीं हो पाती। आखिर इसके लिए किसे दोषी ठहराया जाए। खैर देखना होगा कि सरकार इस प्रकार की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। भारत 9 के लिए इंद्री से मेनपाल कश्यप की रिपोर्ट।